नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के तिलक नगर में रहने वाले एक युवक ने सुसाइड कर लिया। उसके एक कमरे में फटे हुए नोट भी मिले हैं। पिता का आरोप है कि कुछ दोस्त उसे परेशान कर रहे थे। सोमवार शाम ही वो महेश्वर से वापस आया। पुलिस के मुताबिक माता पिता के बयान के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। तिलक नगर पुलिस के मुताबिक दीपक पुत्र अमृतलाल गोस्वामी निवासी पिपलिया हाना ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। रात में जब दीपक की मां घर आई तो उसे फंदे पर लटके देखा। इसके बाद पति अमृतलाल को कॉल कर जानकारी दी। रात में परिवार के लोग उसे लेकर एम्बाय अस्पताल पहुंचे। यहां उसे डॉक्टरों ने चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया। कमरे में मिले फटे हुए नोट दोस्त कर रहे थे परेशान। दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, दो बहनें हैं, उनकी शादी हो गई। दीपक ट्रेवल्स की गाड़ियां चलाता है। पिता के मुताबिक उसने जहां सुसाइड किया वहां कुछ नोट फटे हुए पड़े हैं। संभवत किसी से मोबाइल पर बात होने के बाद उसने ये कदम उठा लिया। पिता ने पुलिस को बताया है कि पिछले कुछ दिनों से 3-4 दोस्त घर पर आते और उसको बाइक पर बैठा कर ले जाते। वो दीपक से संभवतः रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक पिता से दोस्तों की जानकारी ली जाएगी। वहीं दीपक का मोबाइल जब्त कर उसकी भी जाँच की जाएगी। घटना के समय माता पिता दोनों घर पर नहीं थे। वो जस्ट ट्रेवल्स पर काम करता है, यहाँ भी पूछताछ करेंगे। पुलिस थाना तिलक नगर में मार्ग नंबर 4/2024 X174 का एक कायम हुआ है, जिनके मृतक का नाम है दीपक पिता मृतलाल गिरी, उम्र 18 वर्ष, निवासी पेपियाला कागड़। जांच है मुझे प्राप्त हुआ है। घटना फांसी लगाने से, प्रथम दृष्टया फांसी लगाने से सूचना आई, इसके बाद जांच में। अच्छा, युवक के पास से कोई सुसाइड नोट मिला? अभी संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जो मिले होंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जब्त किया जाएगा। ये साहब लड़के को किसी ने जान से मारने की धमकी दे रहे थे, और मैं गाड़ी चलाता हूँ, बाहर रहता हूँ, और उसको ऐसा मार के और क्या मालूम फांसी जैसा लटका दिया। और जब हम घर पे मिसेस गई तो धड़कन चल रही थी उसकी थोड़ी थोड़ी, तो हम वहाँ से रात को लेके भागे और यहाँ अस्पताल लाए। यहाँ ने चेक वेक करा, 2-3 बार मशीनें लगाई, फिर बोले बताते बताते एंड में जाके बताने लगे कि भैया भैया। तो उन लोगों जिनने मारपीट करी, अब ये उसके साथ 4-5 चीज़ें उसके दोस्त रहते हैं, वो क्या डराते धमके दादागिरी करते हैं और रोज़ उस लड़के को परेशान करते हैं। कारण क्या रहता है मतलब मारपीट करने का, दबाव बनाने का? कारण के लिए कारण ये है कि अब ये साथ में खाते पीते होंगे या रहते होंगे, तो इससे क्या है 500 रुपये उधार ले लेते हैं और 2-2 हज़ार रुपये वसूल करते हैं इससे। वो सही बात बताते नहीं हैं, और ये अगर पैसा कौड़ी देने में या कोई आगे पीछे होता है तो इसके साथ मारा कुटी करने की धमकियां देते हैं। युवक के पास से 500 और 100 के नोट भी फटे हुए मिले, ऐसी भी कुछ बात सामने ही? हाँ, 500 का नोट फटे और 100 के भी नोट फटे मिले वहाँ घर के सामने। रात में तो हम देख नहीं पाए, पर जब दूसरे पब्लिक लोग आए, जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने बताया ये बात, और मोबाइल भी उसके पास नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब उन लोगों क्या हत्या करी गई उन लोगों ने? हाँ, मेरे को तो ये लगता है सर, दोस्तों के साथ घूमने भी गए थे ये? हाँ, दोस्तों के साथ घूमने गया था ये। कहाँ गए थे ये? वही यहीं काकड़ पे ही आजू बाजू। अभी तो मेरे को मालूम नहीं, मैं पीतमपुर गया था गाड़ी लेके, और मैं रात को 10:30 बजे करीब आया। क्या काम करता है आपका बेटा? वो भी जो है ट्रेवल्स की गाड़ी चलाता है। क्या नाम है? दीपक गिरी गोस्वामी। अच्छा, कितनी उम्र होगी? 20 साल। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाले तो हम राजगढ़ जिले के, पर मेरे को 50 साल ये इंदौर में हो गए, तो हमारे यही मकान वगैरह। तो कभी बताया नहीं कि मतलब दोस्तों इस प्रकार की हरकत करते हैं? हजार सर, पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसको चाकू वाकू मारा कुटी कर लिया था। हमने खूब रिपोर्टें करी और रिपोर्टें भी खूब लिखवाई, और ये क्या बोलते हैं वीडियो वगैरह जो भी करवा के करा, पर कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कोई सलाम नहीं करा साहब मेरे साथ में। आपका नाम? मेरा अमृत गिरी गोस्वामी। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका पिताजी हूँ।